हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आप सभी का आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो हम आज करेंगे, क्योंकि एट द करंट लेवल्स जहाँ पे अभी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, अ लॉट ऑफ पीपल आर बियरिश इन द मार्केट। ऑन दी अदर साइड जो लोग पोर्टफोलियो बिल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, दे आर लुकिंग फॉर बॉटम फिशिंग, जो एक टेक्निकल टर्म है कि वो बॉटम फिशिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे बाजार में जब बाजार थमा हुआ है, बाजार रुका हुआ है, कोविड केसेस हमने देखे कि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे बाजार में हमें क्या लगता है कि ये बाजार यहाँ से ऊपर जाएगा? ये जो पूरा हफ्ता था, अभी हम वीकली चार्ट्स भी देखेंगे, ये पूरा हफ्ता हमारा साइडवेज निकल गया, और क्या आने वाला हफ्ता भी इसी तरीके से हमारा साइडवेज निकल जाएगा? या ये बाजार जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव आ रही है, जो स्टॉक्स में आ रही है जबकि इंडेक्स में शांति बनी हुई है, तो क्या यही शांति कंटिन्यू रहेगी या ये तूफान के पहले का सन्नाटा है? तो ये सारी बातें हम चार्ट्स पे चलेंगे आज की टोटल वीडियो। पहले हम मार्केट साइकोलॉजी की बात करेंगे, फिर हम चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे, देन आई विल टेक यू टू द ग्लोबल मार्केट्स, और उसके बाद हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे। आर यू ऑल रेडी गाइज? यस। तो पहली बात जो है, मौजूदा लेवल्स पे जहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी खड़ी है करंट लेवल्स पे, इन लेवल्स पे जिस तरीके की गिरावट आई है, स्पेशली इन द बैंक निफ्टी और ओवर द वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में कोविड केसेस ना बढ़ जाएं, लॉकडाउंस ना लग जाएं, हमने फ्राइडे को देखा कि लोग बेच के गए बाज़ार में, लोग पोजीशंस हल्की करके गए हैं बाज़ार में। तो जनरली जिस सिचुएशन में हम लोग पोजीशंस हल्की करके जाते हैं, मार्केट में स्क्वायर ऑफ करके जाते हैं, तो ऐसा हल्का बाज़ार उड़ता जल्दी है। गेटिंग इट? तो बाज़ार में हल्कापन है लॉन्ग पोजीशंस में, और लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को हल्की की है, प्लस पीपल आर बियरिश इन टू दिस मार्केट, लुकिंग एट द कोविड केसेस, लुकिंग एट द अदर डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। तो आइडियली दिस इज़ द मार्केट वेयर यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन। और हमने देखा कि टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन भी कंप्लीट हो गई है, लेकिन स्पेशली जो फ्राइडे का दिन था, दैट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, द काइंड ऑफ सेल ऑफ वी हैव सीन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द डे, कि येस पीपल आर स्क्वायरिंग ऑफ देयर लॉन्ग पोजिशंस एंड दे आर ट्राइंग टू स्टे ऑन द साइड लाइन्स। अब क्या हो सकता है जब ऐसी साइकोलॉजी, देखिए हाथी के दांत है ना, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ये बाजार दिखा रहा है बेचो बेचो, पोजीशंस हल्की करो, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि यही वो समय है जब ग्लोबल मार्केट्स, हमने डाउ देखा, हमने नैसडेक देखा, ऑल टाइम हाईज बना रहे हैं। जब वहाँ पे सेकेंड हाफ सेकेंड वेव आई थी, तब इतने वो बाजार नहीं गिरे, थोड़ी मोड़ी करेक्शंस आई थी। बहुत दिन भारतीय बाजार ग्लोबल बाजार को इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द मदर मार्केट्स, और सून दे शुड कैच द ग्लोबल मार्केट्स अकॉर्डिंग टू मी। एंड स्पेशली आई थिंक मे बी इन दिस नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, दैट मूव, दैट रैली शुड स्टार्ट। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर वो नहीं होता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या हो सकता है? लेवल्स ब्रेक होंगे और किस तरीके से बाजार गिर सकता है, कितना गिर सकता है, वो भी हम बात करेंगे, चार्ट्स पे आएंगे। स्पेशली हम उस खेमे में हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बाजार को ऊपर जाना चाहिए, लुकिंग एट द वॉल्यूम्स ड्राइड अप, लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, लुकिंग एट द एवरेजेस, एंड स्पेशली जब हम वो साइकोलॉजी का तड़का लगाते हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन निकल के आती है कि बाजार ने सूनर और लेटर ऊपर जाना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने चार्ट्स पे चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, दिस इज़ द चार्ट ऑफ निफ्टी, एंड विल स्टार्ट विद द वीकली चार्ट्स। और वीकली चार्ट पे देखिए निफ्टी में डोजी बना के गया हुआ है, दिस इज़ एन इनडिसाइसिव कैंडल, और ये एक रेंज बाउंड मूव दिखी, डोजी बना के गया, डोजी की जो क्लोजिंग है ऊपर की तरफ आई है।
ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज था। ऐसा बाजार जब ग्लोबली ग्लोबल मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारे भारतीय बाजार गिरे नहीं सिर्फ साइडवेज भी रहे तो भी ये अच्छा है, हम बाद में जाके ग्लोबल मार्केट्स को ज्वाइन कर लेंगे। प्रॉब्लम तब होगी जब बाजार टूटना शुरू हो जाए। तो वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो दोजी बना के गया हुआ, पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हफ्तों से बाजार साइडवेज है। ये मूव आई थी, ये निफ्टी की ब्रेकआउट कैंडल थी। अभी भी जो निफ्टी का सैक्रोसेंट लेवल है वो इस कैंडल का लो है, 13,661 रुपए का है। जब तक इस लेवल के ऊपर है वी आर ऑल बुलिश इन टू द निफ्टी। ये देखिए ये लेवल है। अब निफ्टी इन लेवल्स में दो चीज़ हो सकती है, या तो ये थोड़े दिन और साइडवेज रहे और साइडवेज रहने के बाद एक बार ये नीचे अपने इन जोन्स को 14,550 से लेके 14,450 इन जोन्स की एक बार फिर से रीटेस्टिंग कर ले, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है क्योंकि हमने 14,900 के लेवल्स को देखा, प्राइस ने बहुत बार इसको पियर्स करने की कोशिश की है। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे तो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम, इसके बाद यहाँ पे पियर्स किया, यहाँ पे पियर्स किया, यहाँ पे पियर्स किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, और फाइनली हम यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हमने प्राइस में देखा। दिस इज कॉल्ड एज फेक ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड, ऑन द अपसाइड। तो ये फेक ब्रेकआउट और फिर हम इसी रेंज में फॉल बैक हो गए। समझ में आई बात? तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर अब इसने रियल ब्रेकआउट देना है प्राइस ने, तो फिर प्राइस पूरा नीचे नहीं आएगी। प्राइस जो है ये जो लोअर एंड है, लोअर एंड तक नहीं आके यहाँ कहीं पे मिडवे, मतलब जो टोटल रेंज होती है, अगर हम चार्ट को श्रिंक करें, सो सी हियर दिस वॉज द लोवेस्ट पॉइंट हियर। अब इस लोवेस्ट पॉइंट से अगर हम रिट्रेसमेंट खींचते हैं, दिस वॉज योर टॉप एंड दिस इज बॉटम, तो 50% यानी कि ये जो 14,624 से लेके 540 का जोन है, मैक्स टू मैक्स मैंने बताया कि 450 तक, अदरवाइज प्राइस अगर आती भी है तो इस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, 14,624 से लेके 540 के जोन में, फिर इस जोन से प्राइस को पलटना चाहिए। क्योंकि प्राइस में लॉन्ग पोजीशंस हल्की हो गई है इस बाज़ार में, जब भी ये ऊपर जाएगी बड़ी तेज़ी से जाएगी। ये बाज़ार दिखा रहा है कि गिर रहे हैं, प्रॉब्लम्स दिख रही है, लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉब्लम होती तो बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर चुका होता, बाज़ार उस आने वाली घटना को, न्यूज़ को भी पहले से प्राइस इन कर चुका होता। लेकिन वो जो चीज़ है वो चार्ट पे मिसिंग लग रही है, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग द बुलिशनेस टू कंटिन्यू। लेकिन फिर भी 14,400 से लेके जो 600 का जोन है, यहाँ पे एक बार चाहे तो रीटेस्ट कर सकती है, अदरवाइज अगेन वी कैन स्टार्ट विद अ गैप अप, जैसे हमने एक बार किया, फेल हुए इस जोन में, और इसके बाद हम फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे। और इस बार अगर हम इस हाई के ऊपर निकलते हैं तो फिर नहीं रुकेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की जो यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये बात हो गई प्राइस एक्शन की। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा निफ्टी से अलग है। बैंक निफ्टी, दिस इज़ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने डेली चार्ट पे देखा, ये अपने एवरेजेस के पास में खड़ी है। इफ़ आई एड हेयर द मूविंग एवरेजेस, वन सेकेंड, सो ये देखिए ये अपने की एवरेज पे खड़ी है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत समय बिता दिया है। ये जो जोन है 32,400 का था, फिर इसने यहाँ पे जो लो लगाया 32,141 का, मेरे हिसाब से ये जो 32,141 का जोन है, लेवल है, ये अब बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब अगर बैंक निफ्टी 32,100 को, 150 को ब्रेक करती है, फिर ये पूरा 200 पॉइंट यहाँ से गिरेगी, 2000 पॉइंट यहाँ से गिरेगी, लगभग 2000 पॉइंट्स का यहाँ पे बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, जो कि अभी प्राइस को देखते हुए नहीं लग रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो यही वो जगह है, एक दिन दो दिन जितना भी समय लगाए, लेकिन अभी यहीं से जाना चाहिए।
मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको बहुत काम आएगी अगले हफ्ते बैंक निफ्टी ट्रेड करने के लिए। वो ये है, देखिए ये पहली कैंडल बनी थी बैंक निफ्टी की जिसने थोड़ा ग्रीनरी शो करी थी, बुलिशनेस शो करी थी। अब हम वापस नीचे आ गए, तो इस कैंडल का महत्व तो इन दो कैंडल्स ने ख़त्म कर दिया। अब अगर प्राइस टर्न हो के इस कैंडल के हाई के ऊपर चली जाती है, ये कैंडल का हाई है, दिस इज 33,300। अगर इस बार हम 33,300 को अपसाइड में ब्रेक कर देते हैं, इसका मतलब बॉटम बन गया है। ये बात आप सभी नोट कर लीजिए, और जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो उनके तो दिल पे नोट हो जाएगी ये बात बिल्कुल, कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाके 33,300 को के ऊपर सरवाइव कर गए, कैंडल अगर इसको खा जाती है इसके हाई को, तो फिर हम इसके भी ऊपर जाएंगे। ये जो 37,500 का हाई था, दिस वॉज 37,700, तो अगर एक बार हम यहाँ पे चले गए, ये बॉटम बन गया, फिर ये बड़ी तेजी से जाएगा, ऐसा ग्राइंड ग्राइंड करके नहीं गिरेगा, फिर ये तेजी से ऊपर जाएगा, और एक बार हम 37,700 तक भी जाएंगे, लगभग 5,000 पॉइंट्स की हमको मूव इसमें देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स ये ध्यान रखें, यहाँ पे जब आप लॉन्ग कर रहे हैं, खोने के लिए थोड़ा सा है, लेकिन मिलने के लिए हमारे पास 5,000 पॉइंट्स हैं ऑन द अपसाइड। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, एक दिन दो दिन में अगर ये नहीं भी गिर रही है तो समझ जाइए ऊपर निकाल के ले जाएगी। एक और ट्रिक बताऊं, अगर ये आने वाले दो दिन, क्योंकि बुधवार के दिन की छुट्टी है, सोमवार और मंगलवार अगर बाजार नहीं गिरता है, इसी दायरे में बंद हो जाता है, तो छुट्टी के बाद ये निकाल के ऊपर ले जाएगा। ये भी आप सभी को हिंट है, अगर हम इन केस 32,100 को ब्रेक करते हैं, तो फिर हम और ज्यादा गिरेंगे, और यहाँ तक ये और ये लोज भी टेस्ट होंगे। फिर लगभग 2,000 पॉइंट की मूव इन लोज के आसपास, ये लो था, ये लो था, फिर ये भी आके इसी नीचे वाली ट्रेंड लाइन के, ये मैं हटा दूँ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन तक आएगा। तो ये बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे हम निफ्टी बैंक में खड़े हैं, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब हम क्विकली ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में डाउ जोन्स देखिए बिल्कुल तेजी बना के चल रहा है, डाउ जोन्स अच्छा लग रहा है। ये निक्केई का चार्ट है, निक्केई को हम देखें तो निक्केई का चार्ट ऊपर गया है, लेकिन इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये प्राइस बिहेवियर ठीक नहीं, एक बार नीचे आ सकता है। बोवेस्पा स्टेडली ऊपर जा रही है, बॉटम बना के ऊपर जाती ही रहेगी। यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा ये अनएक्सपेक्टेड मूव आई और अपने इस लेवल के आसपास हॉवर कर रही है। मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स एक बार जाएगी तो यहाँ तक और जा सकती है, फिर ये बड़ी तेजी से नीचे गिरनी चाहिए, और यही कारण बनेगा गोल्ड और सिल्वर की तेजी का भी। तो डॉलर इंडेक्स का ध्यान रखें, आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स गिर सकती है। S&P 500, वॉट अ ट्रिमेंडस मूव इन टू S&P 500, एकदम जबरदस्त मूव है। हमने गोल्ड की बात की थी, इसी कैंडल पे देखी, उसके बाद गोल्ड ऊपर गया और बॉटम बन चुका है गोल्ड में। अगर गोल्ड ये बॉटम नहीं काटता है तो ये जाके हाईस के आसपास जाएगा, अगर ये बॉटम काटेगा तो ये फिर पूरा गिरेगा, इसलिए बहुत अच्छे लेवल्स पे है, बॉटम पकड़ा हुआ है। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से कैरी करने की। सिल्वर भी बॉटम बन चुका है। नैसडेक अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन एक बार ये ऊपर जाके थोड़ा नीचे वापस आ सकती है, जिस तरीके का इसका प्राइस बिहेवियर है। और दिस इज क्रूड ऑयल हमने देखा गिर रही, थोड़ा और भी अभी लॉकडाउन्स वगैरह की वजह से गिर सकती है। तो ये ग्लोबल मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स में कहीं भी कोई मंदी हमको नहीं दिखी है। ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई चीज़ होनी होती है तो वो पहले हमको उसके ग्लोबल संकेत या डोमेस्टिक संकेत दिख जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी बैंक निफ्टी और हमारा मार्केट, स्पेशली क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी चलना शुरू कर चुके हैं, तो अच्छी मूव आनी चाहिए हमारे बाजारों में, और सून वी शुड जॉइन दिस ग्लोबल रैली। तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, आपको अच्छा लगा हो एनालिसिस, तो गाइस शो सम लव, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
आई विश यू ऑल अबंडेंस ऑफ सक्सेस. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय एंड टेक केयर. थैंक यू.